हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन को लेकर। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। और आप जानते हैं कि यदि आवर्त सारणी में किसी भी गुण का परिवर्तन देखना हो तो हम दो प्रकार से देखते हैं। पहले बात हम लोग पढ़ते हैं कि आवर्त में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे कि वर्ग में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं आवर्त में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन पीरियड। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं जो समझाने वाला हूँ इसके बाद फिर से आप कभी इस लाइन को भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवर्त क्या है और बाएं से दाएं चलने का अर्थ क्या है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल का इमेज दिखाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो प्रकार के कॉलम हैं, दो प्रकार के लाइन यहाँ पर खींचे गए हैं। एक तो ये ऊपर से नीचे तक की लाइन है, इससे जो ये खड़े स्तंभ बन रहे हैं इनको हम, या जो कॉलम बन रहे हैं इनको हम वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 18 तक। और साथ में इस सारणी में आपको कुछ क्षैतिज पंक्तियाँ दिख रही हैं, इनकी संख्या 7 है। इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। अब यदि किसी आवर्त को हम ले लें, जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरे आवर्त को ले रहे हैं, तो जब लिथियम से बेरिलियम, फिर बेरिलियम से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम कहेंगे बाएं से दाएं चलना। आप देख सकते हैं कि लिथियम आपके बाएं साइड में है और जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब क्वेश्चन है ऐसा कैसे, तो इसको हम एक एग्जांपल से पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद में इसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ग 2 से 2 तत्व हमने लिया है लिथियम और फ्लोरीन को। आप देख सकते हैं कि हमारे वर्ग 2 का पहला तत्व लिथियम और यहाँ पे 17वें वर्ग में आपको फ्लोरीन दिखाया गया है। तो हमने यहाँ पे लिथियम और फ्लोरीन को लिया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर नीचे लिखा है। अगर इन दोनों की परमाणु संरचना को हम बनाएं तो देखिए यहाँ पर ये हो गया लिथियम की परमाणु संरचना और यह है फ्लोरीन की परमाणु संरचना। आप देख रहे हैं कि लिथियम में भी एक नाभिक है, नाभिक के बाहर 2 कोश उपस्थित हैं और फ्लोरीन में भी नाभिक के बाहर 2 कोश उपस्थित हैं। लिथियम के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के भी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में दूसरा कोश या फिर आप कह सकते हैं जो बाह्यतम कोश है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। एक बात यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखें नाभिक में 3 धन आवेश दिखाए गए हैं, यानी कि लिथियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 3 है। आप जानते हैं जितना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन के नाभिक में धनावेश अधिक है। 9 प्रोटॉन को हमने 9 धन लिखकर दिखाया है आपको समझाने के लिए। अब यदि बात करें हम बाह्यतम कोश के इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण का, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है मतलब ऋणावेशित है और नाभिक जो है वो धनावेशित है और धनावेशित चीज़ें ऋणावेशित चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार यहाँ फ्लोरीन में भी नाभिक का इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब क्वेश्चन है कहाँ पर आकर्षण ज़्यादा है और कहाँ पे आकर्षण कम है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लोरीन में नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल अधिक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन के नाभिक में धनावेश अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं नाभिकीय आवेश अधिक है। और जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण भी अधिक होगा। इसको बहुत ही साधारण शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं
कि इस इलेक्ट्रॉन पर तीन प्रोटॉनों का आकर्षण काम कर रहा है और यहाँ पे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर 9 प्रोटॉनों का आकर्षण बल काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आकर्षण बल अधिक काम कर रहा है और इस आकर्षण के अधिक होने की वजह से ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है जिसको आप बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं ये थोड़ा अंदर की तरफ सरक जाता है या आप कहें संकुचित हो जाता है और जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यानी कि हम सही मायने में बनाएं तो लिथियम थोड़ा बड़ा दिखेगा और फ्लोरीन थोड़ा छोटा दिखेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम क्यों हो गई। तो कम इसलिए हो गई कि फ्लोरीन के न्यूक्लियस का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक था। अब आप समझ सकते हैं यदि फ्लोरीन के न्यूक्लियस का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक है इस अवस्था में यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालने का प्रयास करें तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि लिथियम के नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम है इसलिए लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है अर्थात कम ऊर्जा द्वारा भी हम लिथियम के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं जबकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की आयनन एन्थैल्पी अधिक होगी। तो आपने देखा कि लिथियम जो किसी आवर्त में या आवर्त दो में बाईं तरफ है और फ्लोरीन आवर्त दो में दाईं तरफ स्थित है जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो तत्व दाईं तरफ उपस्थित है उसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यहाँ देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ गया था तथा परमाणु त्रिज्या घटती है जिससे नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप आयनन एन्थैल्पी भी बढ़ती है। उम्मीद है कि आवर्त का परिवर्तन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो चलिए अब दूसरी हेडिंग लगाते हैं और पढ़ते हैं वर्ग में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन ग्रुप। तो वर्ग के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एन्थैल्पी का मान घटता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों घटता है। यदि इस बात को आप समझ लेंगे तो आपको ये लाइन भी हमेशा ध्यान रहेगी कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एन्थैल्पी का मान घटता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हम दो तत्वों का उदाहरण फिर से ले रहे हैं, एक लिथियम है और दूसरा सोडियम है। यदि आवर्त सारणी को आप देखेंगे तो ये दोनों ही वर्ग एक के तत्व हैं और वर्ग एक में लिथियम ऊपर है और उसके नीचे स्थित है सोडियम। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब यदि परमाणु संरचना बनाएं तो देखिए यहाँ पर नाभिक में तीन धनावेश दिखाया गया है तीन प्रोटॉनों के लिए और ये तीन इलेक्ट्रॉन हैं लिथियम के जिसमें से पहले दो इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और एक इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे कोश में। अब जैसे ही लिथियम से थोड़ा सा नीचे हम आते हैं वर्ग एक में तो हमारी मुलाकात सोडियम से होती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा गया है। अब यदि इसकी परमाणु संरचना हम बनाएं तो देखिए ये हो गया इसका नाभिक और इसके बाहर हमको तीन कोश बनाने पड़े क्योंकि सोडियम में आप देख रहे हैं तीन कोश हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको क्लियर है सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अब वही आप पुराना वाला दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर नाभिक में धनावेश कम है यानी कि नाभिकीय आवेश कम है किसमें लिथियम में तो इसलिए लिथियम का इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम लगेगा। जबकि सोडियम में बात करें तो सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है यानी कि नाभिकीय आवेश अधिक है इसलिए इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर सोडियम के नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लगेगा। और यदि इस हिसाब से देखें
तो आकर्षण ज़्यादा लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी सोडियम के केस में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा मीन्स आयनल ऊर्जा अधिक होगी। तो पहले इतनी बात को हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक का बाह्यतम कोश पर आकर्षण बढ़ना चाहिए और इसके साथ ही आयनन ऊर्जा भी बढ़ जानी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, इसके दो कारण होते हैं, दो मुख्य कारण हैं, जिसको मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमने क्या देखा कि जब हम पुराने ही कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते थे आवर्त में, वो वर्ग में लगाएंगे तो बातें गलत हो जाएंगी। और क्यों गलत हो जाएंगी, यदि इस बात को आप समझ लें तो पूरा आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इन दो कारकों को देखते हैं। तो नंबर वन, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो प्रत्येक नए तत्व के साथ नया ऊर्जा स्तर यानी कि कोष जुड़ता है। जैसा कि आपने लिथियम में देखा कि कोषों की संख्या दो थी, और जैसे ही थोड़ा नीचे आए आपकी मुलाकात सोडियम से होती है और उसमें कोषों की संख्या तीन हो जाती है। ऐसे थोड़ा और नीचे आएंगे तो फिर से एक नया कोष जुड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रत्येक नए तत्व के साथ नया ऊर्जा स्तर यानी नया कोष जुड़ता जाता है, जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिससे नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम हो जाता है और इस कारण आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं इमेज से। तो देखिए यहाँ पर लिथियम से जैसे ही हम अगले तत्व पर आ रहे हैं जो कि सोडियम है, तो कोष दो से तीन हो गए, और तीन होने के साथ ही यहाँ पे आप देखिए नाभिक से इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई है। और आप जानते हैं कि यदि यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल घट जाएगा, और इस आकर्षण के घटने के बाद क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, यानी कम ऊर्जा से ही सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है कि पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया है। दूसरे कारक पर हम विचार करते हैं। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अभी हमने लिथियम में क्या देखा था कि बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच केवल एक ही कोष स्थित था, और सोडियम में हमने देखा कि नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य कोष दो हो गए। तो जैसे ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, और इन कोषों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। वर्ग में नीचे चलने पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कोषों की संख्या बढ़ेगी, मतलब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कोषों की संख्या बढ़ जाएगी, और कोषों की संख्या बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होता जाता है, और इस कारण आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो ये दो ऐसे कारक हैं जो ये हमको बताते हैं कि जब भी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल दुर्बल होता जाएगा। एक फैक्टर है कि बताता है जो त्रिज्या बढ़ेगी इसलिए आकर्षण बल दुर्बल होगा, और दूसरे में परिरक्षण प्रभाव ये कहता है कि जैसे जैसे नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक का बाह्यतम कोष पे के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण घटता जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कारक मिलकर प्रभावी नाभिकीय आवेश, या जिसको आप कहते हैं नाभिकीय आवेश, उससे अधिक प्रभावी होते हैं। तो ये दोनों कारक नाभिकीय आवेश से अधिक प्रभावी होते हैं, अतः वर्ग में
ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ।